वेलकम बैक टू द रिएक्शन इज गाइस, दिस इज श्वेतान, दिस इज प्रभाष। गाइस बहुत दिनों बाद कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी गाइस। असल में क्या है कि कुछ अपने भी कुछ पर्सनल काम थे, उससे बिजी हो गए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग जरूर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है कि यार कि अपना काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग। सो वी टुक आउट आवर टाइम एंड जल्दी से हम लोग आ गए हैं टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ बिम्बिसार। और ये मूवी बेसिकली 5 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आई गेस ये एक तेलुगु मूवी है और इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है। आई एम श्योर हमारे फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको हम इसके बारे में डिटेल में तब बताएंगे आफ्टर वी रिएक्ट। क्योंकि गाइस एक बात हमें पता चली है कि NTR जो जूनियर है, उनके जो भाई है नंदमुरी कल्याण राम, वो इस मूवी में एज ए लीड एक्टर है। और ये मूवी NTR आर्ट्स उनकी ही प्रोडक्शन कंपनी है। तो गाइस आप पहले ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये मूवी किस टॉपिक के ऊपर है, कौन डायरेक्टर है, क्या कास्ट है, सब कुछ। बिल्कुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। బింబిసారుడంటేనే మరణ శాసనం. ఇక్కడ రాక్షసుడైనా భగవంతుడైనా ఈ బింబిసారుడు ఒక్కడే. अरे ये तो विवियन, क्या नाम है इसका, विवान या कुछ है, विवान नाम। ये पुनर्जन्म ऐसा कुछ है क्या? हाँ, या फिर वो పట్టుమని 100 మంది కూడా లేరు. ఓ యుద్ధం మీద పడితే ఎలా ఉంటుందో చూస్తారు. ఎవడ్రా నిన్ను పంపిందని పైనున్న ఆ యముడు అడిగితే చెప్పున్నాడు, వాడి పేరు బింబి, త్రికర్తల సామ్రాజ్యాధిపతి బింబి సాయుడు అని చెప్పు. కెమెరా వర్క్ బహుత్ అచ్చా గైస్, స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్, కెమెరా వర్క్. ये थोड़ा ओके, हैप्पी बर्थडे उनके बर्थडे पे लॉन्च। ओके गाइस, टेरिफिक ट्रेलर, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत बढ़िया थे और जो विजुअल्स थे, जो भी दिखा रहे थे, यू नो द एंटायर व्यू, ये बेसिकली कुछ उस मूवी के दो मूवी की तरह लग रही थी, जैसे कि बाहुबली मीट्स मगधीरा। हाँ, ऐसा ऐसा गाइस मुझे लगा एग्जैक्टली, मतलब स्टोरी का वो जो फील है ना गाइस, वो पास्ट लाइफ और करंट लाइफ का है। और गाइस एक और फैक्ट चेक है, आई एम रियली सॉरी दैट आई वेंट रॉन्ग आउट देयर। बेसिकली ये राजा बिम्बिसार और बिंदुसार में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिंदुसार बेसिकली वो सम्राट अशोक के पिताजी है और बिम्बिसार मगध के राजा थे। यू नो एक ही डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है, या फिर एक ही यू नो एम्पायर के, एम्पायर अलग है लेकिन डायनेस्टी एक है, पाटलिपुत्र मगध, इन दोनों के ही यू नो इन दोनों जगह के ही राजा वो थे एक जमाने में, दैट इज ड्यूरिंग द 5th century BCE। एक्चुअली ये जो डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हरियंका डायनेस्टी गाइस, जो 5th century में थी
उस सेंचुरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जो रूलर थे वो किंग बिंबिसारा थे। तो मैं ट्रेलर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ अच्छे जो चीज मुझे लगी वो है सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी, और ट्रेलर का जो एक पेस होता है गाइस, जब आप एक्शन मूवी की जो उसको मेंटेन रखा है वो कहीं स्लो नहीं होता, स्लो नहीं होता है। मतलब ट्रेलर हमने जब चालू किया, मतलब जब हमने बिगिनिंग से हमने देखा कि कहीं पे भी स्लो नहीं है, मतलब अचानक एक पेस पकड़ लेता है, वो मुझे इस ट्रेलर में देखने को मिला। एंड कल्याण राम एज बिंबिसार, वो उनका जो एटीट्यूड है वो काफी अच्छा है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और वो ज्यादातर मुझे गाइस उनका जो फेस है ना, उनका जो एटीट्यूड है मुझे चिरंजीवी की याद दिलाता है। मतलब उन चिरंजीवी एक्टर, चिरंजीवी जब कोई रोल करते थे राजा महाराजा या फिर उनका एक एंग्री एटीट्यूड होता था, मैं उनके चेहरे पे उनके एटीट्यूड में मैं उनका एक झलक मुझे देखने को मिला। वो काफी बढ़िया है वो एक, और शायद अगर वो यू नो कभी अगर कल्याण राम जी इस रिएक्शन को देख रहे होंगे तो आई एम श्योर दैट ही विल बी फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है यू नो, जब आपके सीनियर्स को आपके साथ रिलेट किया जाए, आपके एक्टिंग पे वो दिखे, और इनको काफी काफी अच्छा लग रहा है जो। लेकिन हाउएवर ये जो फिक्शनल ट्विस्ट एक आया है इसमें थोड़ा सा नया लगा मुझे, ऐसा नहीं है कि नया एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि नया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए हैं और दिस अटेम्प्ट वाज गुड, आई वोंट से इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट या फिर यार क्या फाड़ दिया है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन ठीक है। क्योंकि गाइस अगर मैं ट्रेलर में अगर हमने जो VFX जो हमने देखी है, मैं उनको एकदम भी खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं हर वक्त कोई भी VFX टीम की अगर मैं बात करता हूं तो पहले उस मूवी की बजट के बारे को मैं डिसाइड करता हूं कि बजट कैसी है। अगर बजट अच्छी नहीं होगी तो VFX भी आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाएंगे, पर इसका जो बजट है उस हिसाब से मुझे कुछ कुछ सीन गाइस मुझे काफी अच्छे लगे और वो मतलब काबिल तारीफ थे। तो गाइस इस मूवी के कास्ट के बारे में जरा बात कर लेते हैं। वी हैव नंदमुरी कल्याण राम एज द प्लेइंग द रोल ऑफ बिंबिसार एज वी हैव सीन। इसमें कैथरीन ट्रेसा है, संयुक्ता मेनन है, वरीना हुसैन है, वेन्नेला किशोर है, श्रीनिवास रेड्डी, ब्रह्मा जी, और वी हैव मिस अनदर पर्सन आउट हियर जो यहाँ पे मुझे कास्ट पे कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दैट इज विवान भतेना। सो ये मूवी बेसिकली रिलीज होने वाली है 5th of August 2022, बहुत करीब पहुंच गए हम। ये जुलाई का महीना चल रहा है, ये महीना देखते देखते चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड वी विल बी स्टेपिंग ऑन 5th of August वेरी सून। और इस मूवी के जो गाइस जो डायरेक्टर है मलिदी वशिष्ठ, वो इस मूवी के राइटर भी है, और मुझे लगता है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ NTR आर्ट्स ने ही प्रोड्यूस किया है, और कोई प्रोडक्शन टीम नहीं दिख रहा है गाइस। बैकग्राउंड म्यूजिक इसका काफी अच्छा है, वो यू नो फास्ट पेस्ड है, और इसके जो हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको जाके टच करते हैं, और काफी ज्यादा यू नो एंगेजिंग है। मैं यही कहूंगा कि यू नो आपके ट्रेलर के साथ, मूवी के साथ, उस पेस के साथ आपको चलना होता है, तो वो जस्टिस करती है यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक। क्योंकि गाइस एक अजीब सी बात है कि जब से 2015 से बाहुबली रिलीज हुई है, तब से ये हमारे जो जितने भी वॉरियर्स या फिर किंग या फिर रूलर इनके जो कहानियां हैं उनमें हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गई है गाइस। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे रूलर या फिर कोई भी राजा महाराजा की कहानी के ऊपर कोई भी मूवी देखते हैं तो हम उसमें एंगेज हो जाते हैं, पर इसमें क्या नया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक री इन्वेंट हुआ है ये जो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इससे पहले ज्यादातर मुझे जो पता है गाइस, राजा महाराजा की मूवी ज्यादा चलती बनती नहीं थी, बहुत कम बनती है, बहुत कम ही बनती है। हम लोगों ने यू नो अशोका काफी सालों पहले देखी, काफी सालों जोधा अकबर भी बनी थी, वो जो बनती थी वो एक गैप से बनती थी, पर जब से बाहुबली को सक्सेस मिला है उसके पहल शुरू हुई इसको यू नो ऐसा है कि इसको थोड़ा एम्पलीफाई कर सकते हो किसी स्टोरी को, यू नो थोड़ा ग्रैंड तरीके से दिखा सकते हो, उसमें कोई पाप नहीं है। जो यू नो जो ऐसे राजा मौली जी ने जो काम उन्होंने जो पहल शुरू की है उसके बाद से तो यार सब लगे पड़े हैं, और दिखाना चाहिए हिस्ट्री का, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली इंडियन हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे रूलर के बारे में दिखाना चाहिए गाइस के उन्होंने हमारे देश को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस की हैं। बिल्कुल, फिल्म एक अच्छा जरिया है, तो उस जरिए को, उस मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं ये डायरेक्टर्स और स्टोरी टेलर्स,
और काफी अच्छी अच्छी कहानियां हमें लाके दे रहे हैं. सो वी अप्रिशिएट दिस एंड वी अप्रिशिएट दिस ट्रेलर वेरी मच वेरी मच गाइस. बहुत अच्छी ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके बारे में सच बात बताएं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था हमें कि ये मूवी आने ही वाली है या फिर इसका ट्रेलर टीजर कुछ निकलने वाला है. हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे ऐसा कुछ इंटरनेट में ढूंढ रहे थे तब अचानक हमें ये दिख गया. तो आप तो आके बताते हो नहीं कमेंट में तो हमें खुद ढूंढना पड़ता है. अगर आप लोग अगर गाइस कमेंट सेक्शन में बता दे तो काफी अच्छा होगा. या फिर आप ट्विटर में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, हम लोग अवेलेबल है वहाँ पे. सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ बिंबिसारा. आपको ये ट्रेलर ये रिएक्शन कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. और गाइस हम लोगों को हमारे इस चैनल को आप ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए गाइस. अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, अगर आपको कुछ भी हमारे सजेशन देने हो या फिर हम अगर कोई गलती भी कर रहे हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं. वी अप्रिशिएट योर सजेशंस, योर आइडियाज, योर कुछ भी ओपिनियंस, कुछ भी गाइस. एंड ऑन टॉप ऑफ इट गाइस, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैनल दैट इज कैप्टन रिएक्शन. कैप्टन रिएक्शन उसका एक ही पर्पस है गाइस कि हम लोग यहाँ पे नए ट्रेलर्स, नए टीजर्स, नए गाने, नए कॉन्टेंट के ऊपर रिएक्शन करते हैं. लेकिन पुराने ट्रेलर्स का क्या? ऐसे बहुत चैनल्स हैं जो मैंने देखे हैं. वो ये बेसिकली ये बात मैंने वहां पे भी कही है, मैंने अपने चैनल में भी कही है, विच इज कैप्टन रिएक्शन. उसका नया वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है. और गाइस उस चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाके गाइस उसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए. और उसमें भी गाइस ये जो रिदान जो बता रहे थे मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ट्रेलर्स है जैसे बाहुबली हो गए, थ्री इडियट्स हो गए, या फिर ऐसे कई मूवीज हैं या फिर ट्रेलर्स हैं जिनके जिसके ऊपर हम अभी रिएक्ट नहीं करते इस चैनल पे. तो अब से गाइस उन सब ट्रेलर्स की जो रिएक्शन या फिर उस डिस्कशन कुछ भी आपको कैप्टन रिएक्शन चैनल में देखने को मिल जाएगी. अगर आप चाहते हैं तो गाइस उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए. तो हम आपसे हर जगह जुड़ रहे हैं, बट टिल देन वी टेक योर लीव एंड वी से बाय, गुड बाय.